नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने आपसे पहले ब्लॉग में कहा था कि मैं आपको कशेर का मिनी ताजमहल दिखाऊंगा जो डिवाई कशेर में लगता है, तो आज दिखाने वाले हैं, चलते हैं। तो भाई मैं तो तैयार हो लिया हूँ, तनिष भाई भी तैयार हैं और आकाश भाई देखो वो कर रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं। और तो चल रहे हैं, हम उठाते हैं बाइक अपनी, तैयार आता रहे। तो भाई यहाँ से कशेर करीब समथिंग 5 किलोमीटर पड़ेगा, चलते हैं। पहुंच चुके हम ताजमहल पर, तो देखो थोड़ा थोड़ा पीछे दिख रहा है, तो उसके हम चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ पे लगा हुआ ताला, तो हमें फलांगना पड़ेगा। ये ताला इसलिए लगा रखा है कि भाई यहाँ से गाय वाय और कुछ जंगली जानवर अंदर चले जाते हैं, इसलिए ताला लगा रखा है। तो हम इसके चलते हैं अंदर। तो चलो भाई, ये तो भाई कूद चुके हैं आकाश भाई और तनिष भाई भी कूद चुके हैं, और फाइनली मेरी बारी है। तो हम पहुँच चुके हैं मिनी ताजमहल पर, जो कि फैजुल नवाब साहब ने बनवाया था, जो 2012 से स्टार्टिंग हुई थी, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। जो अखिलेश यादव की सरकार कह रही थी कि मैं बनवाऊंगी इसे पूरा, उनकी सरकार नहीं आ पाई जब से, और ये आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो इसके दिखाते हैं आपको पास से थोड़े से। और यहाँ पर हमारे काशिफ भाई आए थे जो हमारी कशेर के ही हैं, वो थोड़े से देखते हैं पास से थोड़ा सा ताजमहल को। और देखो, और ये हमारे भाई कशेर के ही हैं, ये थोड़ा सा हमें जानकारी दे रहे हैं। ये अपनी बीवी की याद में बनवाया था इन्होंने, बीवी की याद में। इधर को देखो। और भाई इसका ताला क्यों लगा दिया है? ये इसकी कवर है। ताला क्यों लगा दिया है? इसके अंदर कवर है इनकी। अच्छा, वो कुत्ते कुत्ते घुस जाते हैं, उसमें ताला लगा रखा है। तो भाई ये भाई बता रहे हैं यहाँ पे ताला लगा रखा है वो कवर की वजह से। ये पूरा देखो, और ये काफी बढ़िया तरीके से बनाया है भाई। और अभी ताजमहल को करीब समथिंग हो गई से 10 साल हो गई, अभी ये पूरा कम्प्लीट नहीं हो पाया है। जो फैजुल नवाब साहब जो मुल्ला जी थे, वो जो ख़त्म हो गए, उनकी भी कवर इसमें ही है, उनकी कवर तो वो ख़त्म हो गए, इस वजह से ये ताजमहल पूरा नहीं हो पाया। उनने कड़ी मेहनत करके इसी ताजमहल को पूरा कराया, और ये ताजमहल जगह जगह मशहूर है। और ये इसके कुछ लोग विदेश से भी आकर इसकी शूटिंग करके ले चुके हैं। तो भाई हमारे थोड़े से भाई थोड़ी जानकारी देंगे हमें, जानकारी दो भाई। भाई ये बीवी की याद में बनवाया था इन्होंने ताजमहल, ये पूरा कम्प्लीट नहीं हो पाया, ये ख़त्म हो गया है। और मुल्ला जी इनका घर कहाँ पर है? कशेर में ही इनका घर? ये सामने वाला। अच्छा, सामने वाला इनका ही घर है। और इनके घर में से कोई इनके लड़के वड़के? इनका लड़के नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं? भाई का एक लड़का है, पर वो बाबला है। अच्छा, उसका थोड़ा सा माइंड कम है उनमें। ये पूरा कम्प्लीट होता अगर वो जिंदा होते। तो भाई ये बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाता अगर वो जिंदा होते, मगर कोई सरकार आएगी इसे पूरा कराएगी। देखो बाहर से कितना आपको पूरा मेन ताजमहल और इस ताजमहल कोई डिफरेंट नहीं है। और ये भी एक अजूबे ही कह सकते हैं इसे भी थोड़ा सा, क्योंकि ये भी ताजमहल आगरा वाले ताजमहल की तरह ही मशहूर है, ऐसे भी काफ़ी लोग देखने आते हैं। और आज हमने भी इसे सोचा था ब्लॉग बनाने के लिए, इसे वीडियो दे बनाने आए थे।
लीड कवर दोनों उनकी इली तरफ है, उनकी पल्ली तरफ है, जो पहले ख़त्म हो गई थी और उनने कवर में पहले उनको करा दिया था। उनकी ये मांग थी कि मैं जब भी ख़त्म होता हूँ तो मेरी कवर इधर लगवाना, तो उनकी कवर आज इधर है और कवर का थोड़ा सा अंदर ताला लगा रखा है जो हम अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि ताला इसमें क्या होता है कुत्ते वत्ते घुस जाते हैं, ताला लगा रखा है इसलिए अंदर नहीं जा पा रहे, इसके ही हम शूटिंग ले पा रहे हैं बाहर से। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।